नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। हम इस वक्त राजभवन के समक्ष मौजूद हैं। राजभवन के सामने कहा जाए तो धरना अड्डा या फिर बेरोजगारी अड्डा भी कह सकते हैं आप। सरकार के वादों का खोखलापन इस जगह पे साफ नज़र आता है। इस वक्त हम पहुँचे हैं सीसीएल अप्रेंटिस संघ के पास, माफ़ कीजिएगा, सीसीएल अप्रेंटिस संघ के पास हम लोग पहुँचे हुए इस वक्त। और इस जगह पे लगभग सैकड़ों की आबादी में नौजवान मौजूद हैं। अब इनकी मांगे कुछ इस हद तक है कि सरकार इनकी मांगे पूरी कर सकती है, लेकिन क्यों असमर्थ है वो जानने वाली बात होगी। इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है सरकार के पास जो इनसे मुलाकात करने तक को नहीं आ पा रही है। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम राजकिशोर सिंह है मैम, मैं सीसीएल अप्रेंटिस संघ का अध्यक्ष हूँ। राजकिशोर जी, बताइएगा कि इस जगह पे कितने दिन हो गए आप लोग को बैठे हुए? आज हम लोग का 10वां दिन है और लगातार हम लोग 3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं मैम। जी, तो आप यहाँ आने से पहले किन किन सरकार के प्रतिनिधियों के पास या फिर सरकार के पास अपने विज्ञप्ति वगैरह दिया है? सरकार, जैसे कि हम लोग मुख्यमंत्री को दिए हैं, ठीक है, और केंद्र में सभी कोल मिनिस्टर को दिए हैं, प्रधानमंत्री को दिए मेल के माध्यम से, कोल मिनिस्टर को दिए, सीआईएल चेयरमैन को दिए हैं, वो मेल के माध्यम से दिए हैं और लगातार ही दे रहे हैं। लेकिन आज तक कोई भी सरकार के तरफ से, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हम लोग डबल स्किल है, आईटीआई के साथ हम लोग अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट किए हैं सीसीएल से। और तो किसी तरह का प्रतिक्रिया सामने से आपको देखने को मिला कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है आप लोगों को लेकर के? सभी जब जाते हैं तो सब पॉजिटिव ही नज़र आते हैं, लेकिन कोई काम करने लायक नहीं, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ आपका ठीक है, आपका तो मांग जायज है। पर जायज को ठहराने के लिए वो आएंगे, किन्हीं से बात करेंगे, कोई भी जनप्रतिनिधि अभी ऐसा नहीं है कि झारखंड में जाकर सीएमडी साहब से हमारी मांगों को लेकर चर्चा किए होंगे। तो हम लोग काफ़ी निराश है, हताश है और लोकतांत्रिक तरीके से बैठना चाहते हैं। भले लोग राजनीतिक सपोर्ट मिले या ना मिले, हम लोग अपना एकता यूनिटी है उसमें हम लोग का लड़के लोग सपोर्ट करते हैं और हमारा जो मांग जायज है, हम लोग ज़्यादा बहुत बड़ा मांग इससे 2 साल पहले रखे थे कि हम लोग को नियमित किया जाए, तो उसमें जो कानून का हवाला देकर उन लोग बता रहे थे कि इसमें नियमित का कोई प्रावधान नहीं है अप्रेंटिस एक्ट में। फिर हम लोग बोले कि ठीक है, नियमित नहीं किए तो आप कोल सेक्टर में जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं जो आपने उनको दे रही है, टेंडर दे रही है, और अभी तो सारा कोल सेक्टर जो है वो आउटसोर्स हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जो हम लोग को जो आप सिखाए हैं अप्रेंटिसशिप में कोयला क्षेत्र में, तो उस आउटसोर्स कंपनियां में हम लोग का पहली प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए और ऐसा एक एनआईटी रूल तैयार किया जाए एनआईटी में कि कोई भी कंपनी कहीं भी से टेंडर डाले तो पहली प्राथमिकता के आधार पर जो प्रशिक्षु वहाँ के स्किल लड़के हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाए। ये नहीं कि आंध्रा की कंपनी झारखंड में आ रही है और आंध्रा से मैन पावर लेकर आ रही है, तो इस तरह अगर आती है, एक तो ये वैकेंसी नहीं निकाल रही कोल इंडिया, टेक्निकल वैकेंसी के नाम पर अभी कई साल से नहीं निकाल रही है। जब आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, जब आप प्रशिक्षण करवा के लड़के को बैठा दे रहे हैं, लगातार 5-6 बैच हो चुकी है, वो सब बैठे हैं रोड में, किन्हीं को आप रोजगार से जोड़ नहीं रहे हैं, तो ये प्रशिक्षण का क्या महत्व रह गया? जब प्रशिक्षण करके अगर हम लोग डबल स्किल होने के बाद भी अगर रोड में बैठे तो इसका कोई महत्व नहीं है। सरकारी जो है, सरकार का पैसा का दुरुपयोग है और इसे हम सरकार को भी, सभी चीज़ों को आप जो देख रहे हैं बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आपके सामने भी कई लोग बैठे हुए हैं धरने पे, तो इन सभी चीज़ों को देख के आपको क्या लगता है, सरकार आपकी बात सुनेगी या फिर सरकार किसी तरह की प्रतिक्रिया या फिर पॉजिटिव चीज़ आप लोगों के लिए करेगी जो आप लोगों को राहत दे सके? देखिए मैम, हम लोग तो आशावादी हैं और हम लोग आशावादी है कि सरकार हमारे लिए कुछ सुने और सरकार सीसीएल भी हमने सुने तब आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई आके हमें हमारे दुख दर्द को समझे और जो लड़के बैठे हैं आज 10 दिन से उनके बारे में सुने। अगर मान लीजिए आप लंबे समय तक, अब तो लंबा समय ही है, 10 दिन कुछ छोटा समय नहीं है, आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? कि आगे की रणनीति हम लोग यही सोचे हैं कि सबसे पहली बात कि हम लोग शांतिपूर्वक धरना शुरू से देते आए हैं पिछले 3 सालों से ही और अभी भी शांतिपूर्वक ही धरना दे रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना देने का हम लोगों का प्लान भी है। और यदि इसमें भी हम लोग सबसे पहले गांधीवादी दिखाएंगे, शांतिपूर्ण धरना देंगे, यदि नहीं मानते हैं तो हम लोग जो है भगत सिंह का ही रूप लेंगे और जाके गेट जाम करेंगे और सारे जगह कोयला बाधित करेंगे। इसके लिए हम लोगों को जो कुछ भी करना होगा हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।
सारी बातों को जानने के बाद ये चीज़ साफ झलक रहा है कि सरकार से कई आशा और कई उम्मीद लेके बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकारी महकमे में मठाधीशों के बीच ये बातें कितनी असरदार होती है कि उन्हीं की युवा, उन्हीं का अगर कहा जाए तो सरकार का लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड होता है युवा, लेकिन इसके बावजूद सरकार इतनी लापरवाही करती है, तो ये सिर्फ देखने वाली बात होगी कि कितना असर करता है। जुड़े रहिए न्यूज़ विंग टीवी के साथ, काजल मेहता, न्यूज़ विंग, रांची। आइए दिए जलाएं, इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाएं और अंधेरे को दूर भगाएं। हर घर को मजबूत और रोशन करें इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली टफकॉन, द ओनली स्टील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।